Welcome back to all the viewers. Earlier we have discussed about the strategy of industrial growth. So in this part we will discuss about the industrial policy resolution that was passed on 1956 and what was the key measures of that policy. We will discuss in this video. तो सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं कि IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो कि 1956 में किया गया था, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IPR भी कहते हैं, IPR 1956 भी कहा जाता है। तो ये जो है क्यों लिया गया था या क्या इसका मेन रोल था, क्या मेन मोटिव था, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा IPR के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कि अपने आगे की चीजों के बारे में कि ये हुआ क्या था। तो गवर्नमेंट जो थी वो अब यहाँ पे लीडिंग रोल लेना चाहती थी पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी कि जो गवर्नमेंट का रोल था, गवर्नमेंट रोल जो था उसको इंक्रीज कर दिया गया था यहाँ पे। और गवर्नमेंट का क्योंकि एम भी था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इसमें गवर्नमेंट का प्रोसेस जो है, गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज कर दिया गया था। क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन काम था वो तो गवर्नमेंट ये सोचती थी कि भाई हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो करेंगे, यानी इनका कहा था कि हम ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस करेंगे। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं हमको भी दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं सबको दिक्कत होगा इस, क्योंकि हमारा जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट रोल बढ़ने की वजह से फिर चीजें जो है महंगी हो जाना और तमाम चीजें हो जाना, ये सारी चीजें उसमें प्रिवल करती थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट का जो मेन था कि ये पॉलिसी बनाने का मेन ये था कि भाई प्राइवेट का रोल और ज्यादा कट कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके और सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ को हम देख सकें। तो इसका जो है मेन रोडमैप जो था वो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जो है रखा गया था। आपका जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो था हमारे पास, उसमें इसकी तैयारी की गई थी। और इसी का जो है मतलब एक वो था कि हमारा इसी प्लान में हमने सोशलिस्ट पैटर्न के बारे में भी सोचा था, सोशलिस्ट पैटर्न और सोसाइटी के बारे में भी इसी प्लान में डिस्कस किया गया था और इसी प्लान में उसके बारे में चीजें रखी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा IPR जो आपका था, ये पूरा IPR इसी बेसिस पे ही बनाया गया था ताकि हम चीजों को और ज्यादा क्लियर और जो रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर था उसको इंक्रीज कर पाए। अब इसमें हुआ क्या था कि इसके जो प्रिंसिपल एलिमेंट थे, तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो था IPR 1956 का, इसने दो तीन थे इसमें। तो इसमें सबसे पहला जो था कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो हम देख लेते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है आपके अगर CBSE के लिए आप तैयारी करें तो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर IPR 1956, तो इन्होंने बताया था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन बताया था, मतलब तीन टाइप के क्लासिफिकेशन बताए थे, जिसमें कुछ इस तरीके से था क्लासिफिकेशन हमारे पास। पहला तो इन्होंने बताया कि तीन टाइप के इंडस्ट्रीज हमारे पास रहेंगी, जिसमें सबसे पहली इंडस्ट्री जो थी दोस विच वुड बी एस्टैब्लिश एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर, यानी पहला हमारे पास था एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर, यानी हम सिंपल बात में पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर या एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता, एक ही चीज है वो। तो पहला तो हमारे पास इस टाइप का था। दूसरा जो हमारे पास था वो था हमारे पास, एक तो ये हो गया, दूसरा था कि दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी यहां था दूसरा बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक, ये दूसरा था।
लेकिन यहाँ पे भी फिर आगे बताया गया द प्राइवेट सेक्टर का जो रोल रहेगा वो सेकेंडरी रहेगा। यहाँ भी जो गवर्नमेंट इस यहाँ भी प्राइवेट को दिया, लेकिन प्राइवेट जो रोल था, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज सेकेंडरी, यानी इनके रोल को हमने सेकेंडरी ही रखा, प्राइमरी नहीं होने दिया। प्राइमरी रोल हमेशा से पब्लिक सेक्टर का ही था और पब्लिक सेक्टर उसमें अपना रोल जो है प्ले करती थी। जो न्यू एंटरप्राइजेस थी वो प्राइमरली पब्लिक सेक्टर की ही ओपन होंगी, मतलब अगर बोथ में भी हम कर रहे हैं तो उसमें भी जो पब्लिक सेक्टर के ही न्यू एंटरप्राइजेज जो है ओपन होंगी। उसके बाद है कि जो सारी इंडस्ट्रीज हैं अदर देन कैटेगरी वन और टू में जो नहीं है वो होता था प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर आपका लास्ट में बचता था। अब लास्ट में इसमें कुछ बचता ही नहीं था फिर, तो इसमें वो था कि जो पहले में एंड टू में ना आते हों उनके अलावा जो बच गया वो आपका हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इससे क्लियरली ये हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था उसमें प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा रेगुलेटेड डेवलपमेंट किया जा रहा था उनका, ज्यादा ज्यादा कोशिश की जा रही थी कि हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ाएं, तो ज्यादा रोल हमारा उसी पे फोकस था। तो ये तो हो गया बात हमारा पहला पॉइंट जो था हमारा थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन आईपीआर का। दूसरा इन्होंने कहा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में, तो हमारे पास जो सेकंड है, जो सेकंड हमारे पास है वो है आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहला तो इन्होंने बता दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करेंगे, दूसरा बताया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करें। इंडस्ट्रीज में जो थे प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि पूरा रेगुलेशन फिर से हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही ये एस्टैब्लिश हो सकते हैं, अदरवाइज ये एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। दिस इम्प्लाइड अ चेक ऑन इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ पे काफी ज्यादा इसने रेगुलेशन रखा। इसमें बेसिक आइडिया जो था हमारा लाइसेंसिंग पॉलिसी का ये था कि इनकरेज करेंगे हम इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन में ताकि रीजनल इक्वालिटी हो पाए, यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं हमारे पास, जो बैकवर्ड एरियाज हमारे इकोनॉमी में है वहां पे जो है उसको वहां पे इंक्रीज करेंगे इंडस्ट्रीज का फेस ताकि हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज जो है या फिर रीजनल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए, रीजनल डिस्पैरिटी को कम किया जाए, तो रीजनल इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे थे। ये हमारा मेन मोटो रहा इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में। तो लाइसेंस जो है जरूरी रहता था किसी भी नए एंटरप्राइज को खोलने के लिए, लेकिन अगर आप कोई नया एंटरप्राइज पहले से चला रहा है और उसको प्रोडक्शन आपका बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग से ज्यादा करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू नीड अ लाइसेंस। दिस वॉज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जिससे कि सोशल वेलफेयर हो पाए, ताकि क्योंकि भाई आप लगेंगे बढ़ाने इस तरीके से तो फिर दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसका भी दिमाग लगाया कि इसमें जो है आपको एक रेगुलेटेड डेवलपमेंट ही दिया जाएगा, ये नहीं कि सारा का सारा आप जो है कभी भी बढ़ा लें कभी भी कम कर लें, तो ऐसा ना सोचते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे तो एक रेगुलेटेड डेवलपमेंट के बेसिस पे ही सारी चीजों को तय किया जाएगा। फिर हमारे पास जो थर्ड इन्होंने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया था वो था आपका इंडस्ट्रियल सोप्स। ये तीन बातें रही हमारी आईपीआर 1956 की, जिसमें आपका थर्ड है इंडस्ट्रियल सोप्स। इसमें था कि जो गवर्नमेंट था वो एज्यूम करता था लीडिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनको ऑफर किया जाता था मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस, यानी सोप्स जो है ना, ये सोप्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो सोप्स शब्द है इसका मतलब होता है कंसेशन देना, कंसेशन इन द टर्म छूट टाइप का देना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, हिली एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है आपको किसी तरीके का कंसेशन वगैरह दे सकती है, शायद आपको बोल दे कि भैया आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी मत का बिल मत वो दीजिए, या वाटर हमारे तरफ से ले लीजिए, कुछ ना कुछ आपको फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोवाइड करती थी ताकि इंडस्ट्रीज और ज्यादा स्टैब्लिश हो पाए हमारे
बैकवर्ड एरियाज में। तो मेन फोकस यहाँ पे हमारा जो भी था वो हमारा था फोकस ऑन बैकवर्ड एरियाज, ताकि बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट हो पाए। फोकस ऑन बैकवर्ड एरियाज। तो ये हमारा मेन मोटो वहां पे यही था। उसके बाद ये सोप्स जो थे, जैसे इसमें था कि टैक्स थोड़ा सा छूट में देना या पावर सप्लाई कंसेशनल रेट पे दे देना, तो ये सब इसमें जो है इंडस्ट्रियल सोप्स के नाम पे यूज किए जाते थे। उसके बाद है फिर जो भी पॉलिसी थी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, तो इंडस्ट्रियल सोर्स वर टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। ठीक, यहाँ पे जो मेन था रीजनल इक्वालिटी, जो दूसरा इसमें मेन एम था वो था आपका रीजनल इक्वालिटी। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा है कि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने आईपीआर का फॉर्मेशन ही किया था। तो यहां जो है सोप्स के नाम पे जो देते थे ये लोग, जो सोप्स देते थे उसमें जनरली जो था आपका, या फिर टैक्स में थोड़ा छूट दे देते थे जो नए हैं तो उनको जो है टैक्स में थोड़ा कम कर दिया जाए, या फिर जो पावर सप्लाई वगैरह है, पावर सप्लाई को जो है कंसेशन कर दिया जाए, उसमें कंसेशन रेट्स पे आपको पावर सप्लाई दी जाए। तो ये सारा कुछ हमारा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, और इंडस्ट्रियल सोप्स के अंदर में ये सारी चीजें थी। तो लाइसेंस बनाना और थ्री फोल्ड इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करना और इंडस्ट्रियल सोप्स के बारे में बताना, ये सारा हमारा आईपीआर के अंदर ये टॉपिक्स कवर होते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो मेन एम था, जो गवर्नमेंट का मेन एम रहा है, वो रहा है कि हम डेवलपमेंट करें अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो हमारी डिपेंडेंट होती थी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थे वो काफी बैकबोन टाइप का सपोर्ट करते थे किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो हम जो यहां करेंगे, हम करेंगे डेवलपमेंट करने लगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कोई भी इंडस्ट्री जो कि जिनका जो इन्वेस्टमेंट हो वो 5 करोड़ से कम हो, यानी जो इनका इन्वेस्टमेंट होता था वो ₹5 करोड़ से कम होता था, तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो करते थे। जो रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स वॉज अंडरलाइंड बाय द कार्वी कमेटी या कार्वी कमेटी इसको लोग बोलते हैं। ये कमेटीज अलग अलग बनाई गई थी अलग अलग रेगुलेशन के लिए, तो ये भी एक कमेटी थी जो बनाई गई थी इस रेगुलेशन के लिए। तो इनके अंडर में जो है इनको जो है 1955 में किया गया था। तो 1955 में इनको अदर नाम से विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी कहा जाता था। तो ये कमेटी का ही रिकमेंडेशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना और ये करने के लिए। तो इसके जो है कुछ तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक दो तीन। जैसे पहला तो इसमें था कि ये पूरा का पूरा लेबर इंटेंसिव होता है, ये तो बात हमको ही पता है, सबको पता है कि पूरा लेबर इंटेंसिव होता है, जिसकी वजह से ये इम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एसएसआई में सबसे ज्यादा ये है कि सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं सब ज्यादा से ज्यादा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीन्स का इस्तेमाल कम करते हैं, ज्यादा लेबर से वर्क कराते हैं। तो एक तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा हो गया कि इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती थी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी जगह पे ये इजिली इस्टेब्लिश हो सकता था। तो इससे क्या होता था, इससे हमारा इक्वालिटी ओरिएंटेड काम हो जाता था। जैसे ऊपर वाले से इम्प्लॉयमेंट होता था, वैसे इससे हमारा इक्वालिटी ओरिएंटेड काम हो जाता था। इक्वालिटी ओरिएंटेड का मतलब कि हम इक्वालिटी अपना दिखा के चल सकते थे, जैसे कि अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज का लग पाना, तो ये इक्वालिटी को दर्शाता है। उसके बाद हमारे पास है कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट भी होता था वो होता था स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होने के वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, जिसके वजह से ये फिर से इक्विटी ओरिएंटेड था। ऊपर वाला इक्वालिटी ओरिएंटेड था, यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब होता था कि इंटर पर्सनल इक्वालिटी मेंटेन करता था। इसका मतलब हो जाएगा इंटर पर्सनल इक्वालिटी। तो ये तीन जो है हमारे मेन एसएसआई के मेन फीचर्स हुआ कह सकते हैं हम।
तो मेन फीचर्स हमारे SSI के ये हुआ करते थे कि भाई SSI लेबर इंटेंसिव यूज करता था, कहीं भी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी था, कहीं भी खुल सकता था और स्मॉल इन्वेस्टमेंट इसमें लगता था। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फीचर्स और मेरिट डिमेरिट देखेंगे अपने IPR जो बनाया गया था उससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, देन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग IPR को और फुल्ली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।